मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में जो अभी जो बीजेपी की एक लहर चल रही है, और इस बार जो दोनों पार्टियों के प्रत्याशी जो काफ़ी अच्छे थे अपने आप में, मुझे लगता है कि इस बार रेशो कुछ अलग टाइप का आएगा। एक पूरा बीजेपी नहीं कह सकते अपन, पूरा कांग्रेस नहीं कह सकते, 30-70% का कांग्रेस का 30-40% आना चाहिए। मैं समझता हूँ बीजेपी को कम से कम 5 से 6 सीटें तो सोचने में आती है, और बाकी की सीटों के लिए कांग्रेस भी अच्छी दावेदार रही है बहुत सारी जगह। अभी ये चुनाव जो है कि सिंगल चुनाव नहीं है, वन साइडेड चुनाव नहीं है, दोनों तरफ से किसी भी सीटें आ सकती है। कोई कभी अनुमान लगा रहे हैं कि 5-4 का है, कोई बोलता है 6-3 का है, इससे कोई डिसाइडेड जो मतदाता इच्छा करके आया अधिक वोटिंग, उससे कोई भी निर्णय निर्णायक नहीं हो पाएगा। ये 11 तारीख को ही मालूम पड़ पाएगा। हमारा अनुमान है कि जो भारी क्षेत्र है, जो गांव के क्षेत्र हैं, वो चारों कांग्रेस के पक्ष में हैं, और शहर की जो है उसमें से एक सीट एक नंबर की लगता है कांग्रेस के पक्ष में जाएगी, बाकी 4 बीजेपी को। सरकार तो हर इंसान चाहता है अच्छी बने, और हमारे हाथ में नहीं रहता है, हम तो जनता जनार्दन होती है, किसी एक को तो बनना ही है। तो अब लगता है इस बार बीजेपी की वापस आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से इस बार भी बीजेपी का पल्ला शहर में तो भारी रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के फेवर में 7 सीटें जाएंगी शायद। मेरे ख्याल से तो बीजेपी की सरकार बनेगी और अच्छे बहुमत से ही बनेगी, मेरे को ऐसा लगता है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी 7 सीटों पर अपना कब्जा करेगी, क्योंकि बीजेपी की लहर काफ़ी अच्छी है और उसमें डेवलपमेंट भी काफ़ी हुआ है, और मैंने भी बीजेपी को ही वोट दिया है, और कहीं ना कहीं मोदी की लहर बहुत अच्छी है। कुछ गलत फैसले हुए नोटबंदी वगैरह के कारण, लेकिन वो मेजर इशू नहीं है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा है बीजेपी के राज्य में। मैं समझता हूँ बीजेपी 7-2 से आगे बढ़ेगी। अभी चुनाव में तो ऐसा लग रहा है कि ये 50-50% है दोनों तरफ से, इसमें किधर भी कोई भी फैसला आ सकता है, और इसके बारे में सटीक भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बराबरी के चुनाव है, एक तरफा नहीं है इसमें, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। प्रदेश में भी ऐसे ही लग रहा है, प्रदेश भी 50-50% दिख रहा है, किसी की भी सरकार बन सकती है, कोई भी राजनीतिक दल इसमें कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों के समान अवसर हैं, और किसी भी तरफ ऊंट करवट ले सकता है। 9 में से आधी तो नहीं होती, लेकिन 5-4 समझ लो। 5 किसको देंगे और 4 किसको देंगे? 5 बीजेपी को दे दो, 4 कांग्रेस को दे दो। तो सर जैसे कि पर्टिकुलर मेंबर के हिसाब से डिपेंड करता है कि उसको किसका की क्या देना चाहिए। एक्चुअल सर अगर आप किसी पर्टिकुलर किस बंदे को जानते हो, उसका व्यवहार वगैरह कैसे क्या है, अगर उसका अपना बैकअप अच्छा है तो पर्टिकुलर उसी को देंगे, ना कि बीजेपी ना कि कांग्रेस। मध्य प्रदेश में तो सर मैं कांग्रेस को ही वोट करना चाहूँगा सर, क्योंकि तो सर मैं ज्योतिराज सिंधिया को सर थोड़ा जानता हूँ, थोड़ा बहुत हूँ, ग्वालियर ज़िले से मैं रह करके आया हूँ, उनका वहाँ पर माहौल देखा है, बहुत अच्छे मेंबर थे। बीजेपी और कांग्रेस के बाद मुकाबला टफ है सर थोड़ा सा, क्योंकि कारण क्या है कि बीजेपी की अभी जो ये GST वगैरह जो इन्होंने लॉन्च किया, उससे काम धंधे की पोजीशन बुरी है मार्केट के अंदर, पैसे का रूटीन नहीं चल रहा है, तो आदमी भी चेंजेस चाहता है थोड़ा इस वजह से। तो फिर भी 50-50% कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को मुकाबले में थोड़ा सा वो भी है टफनेस है कि भाई बीजेपी भी अपना पूरा दम लगाया है, कांग्रेस ने पूरा दम लगाया है, तो बीजेपी को भी 4-5 सीटें और कांग्रेस को भी 4-5 सीटें मिलनी चाहिए इस हिसाब से। प्रदेश में भी कांटे की टक्कर है सर, अब ये बोल नहीं सकते कि क्या है, पर मेजोरिटी एक किसी की आना तो पॉसिबल नहीं है, मिलीजुली बन सकती है, गठबंधन ही हो सकता है थोड़ा बहुत, या तो कांग्रेस आ सकती है या बीजेपी आ सकती है, पर पूरा बहुमत के साथ थोड़ा सा इस बार टफ है मुकाबला। जितना विकास कार्य इंदौर में बीजेपी ने किया है उसमें ज़्यादा सीटें तो बीजेपी को मिलना चाहिए, लेकिन मतदाता ने किसके भरोसे किसके फेवर में वोट दिया ये तो मालूम नहीं है, तो 11 तारीख को मालूम पड़ पाएगा। लेकिन इच्छा तो यही है कि बीजेपी जीतना चाहिए, अब अंत में जो परिणाम होगा वो सबको स्वीकार करना है। प्रदेश में भी निश्चित रूप से भाजपा की सरकार होगी तो केंद्र और प्रदेश में एक ही सरकार जब होती है तो विकास कार्य तेज होते हैं, उसका अभी हम लोगों को इंदौर में दिख ही रहा है, इंदौर जिस तरीके से नंबर 1 आया, और अभी हमको तो प्रेजेंट सरकार से कोई शिकायत है नहीं, और गांवों की और दूरस्थ स्थितियों की हमको मालूम नहीं, हम लोगों को डर जाना आना है नहीं, ना हमारा कोई इतना टचअप है कि हम लोग पता कर सके कि क्या हुआ। ये अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि 5 सीटें या तो कांग्रेस को मिल सकती है या तो फिर भाजपा को मिल सकती है,
मतलब दोनों में से एक सीट का अंतर है, एक दो सीट का अंतर है। अभी अनुमान तो क्या है वैसे, सरकार जैसे कांग्रेस की पहले भाजपा की है तो उम्मीद तो लोग ये लगा रहे हैं कि कम से कम भाजपा की सरकार बन सकती है ताकि सीटें कम आएगी।